और इसमें बताइए कितने मंत्र हैं? आवाज आ रही सॉरी, मेरी क्या? हाँ, कितने मंत्र हैं छंदो आ रही के है कुशल? जी। सॉरी, एक्चुअली कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, ट्रूली। ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? नहीं, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, आज देखूंगी। ठीक है, जो रुचि ने बता दिया, थैंक यू। सैफल खेल से राधिका जी ने बता दिया। राधिका जी, आप माइक अनम्यूट करिए आपकी नकल, और आप बताइए किस वेद से लिया गया है उपनिषद? छांदोग्योपनिषद जी, किस वेद से लिया गया है? सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण फिर बताइए। कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण नहीं, देखिए कमेंट में भी सब लोग कमेंट है। निशा यादव जी, आप बताइए। सामवेद से। सामवेद अच्छा, और क्या है उसके आगे, सामवेद के आगे? पूरा आप बताइए। तलवलकर। तलबकार के इसके बाद भी कुछ है, मतलब पूरा आप कंप्लीट आंसर दीजिए कि कहाँ से लिया गया है छांदोग्य उपनिषद। जिसे कंप्लीट आंसर पता हो माइक बताऊं, अनम्यूट करके बताइए। मैं बताऊं, हाँ हाँ बताइए। ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से जो अंतिम है, अंतिम मतलब 8, 3 से लेके 10 तक, तो ऐसे 8 अध्यायों में है ये, सामवेद की तलबकार शाखा के अंतर्गत वहां से लिए गए ओके, हैं। थैंक यू। इसमें औषधियों का सार किसे बताया गया है? चंद्रकला जी, आप बताइए। औषधियों का सार तत्व बताया गया, रस बताया गया कि औषधि का रस क्या है, किसे बताया गया है? पुरुष पुरुष शरीर को। को, ठीक है। और जो आठवां सबसे उत्तम रस है, वह कौन सा है? ठीक उद्गीत। है। गीत की उपासना से किसका संयोग होता है? कोई भी बता दीजिए, कोई भी बता। प्रणव ओके, ठीक है। का दी। प्रणव नहीं, राधिका जी, रिक और साम, रिक और साम बताया गया है। ठीक है, पढ़ाई नहीं दीदी, एक क्लास हाँ। में तो कर। कल आप थी ना राधिका जी? कल नहीं थी दीदी, ये मंत्र तो मुझे ओके, याद अच्छा, थे इसलिए लिख दिए थे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, जो इनका देवासुर संग्राम होता है, जब प्राण को श्रेष्ठता की उपाधि दी जाती है, तो वह किस अध्याय में, जो खंड है, कौन से खंड में वर्णित किया गया है? मनोज पाल जी, आप बताइए। जी मैम, 5वें खंड में मैम, नहीं, देवासुर संग्राम की बात कर रही दोबारा हूँ, से जो दे आपको। देवासुर प्रथम मैम अध्याय के प्रथम किस हो खंड में दिया गया है? हमने काफी डिटेल में इसको गया पढ़ा था। है, प्रथम नहीं है, प्रथम ही खंड में दिया गया है। नहीं, ध्यान से एक बार फिर सोचिए। हाँ, ये पूजा जी का शायद मैसेज आया MDY से, सेकंड खंड है चंद्रकला जी का। द्वितीय खंड में बताया गया है, हाँ द्वितीय में। बिल्कुल, द्वितीय खंड में। और किसी ने बताया 10 मंत्र है, तो 10 नहीं है उसमें, 14 मंत्र है। प्रथम खंड में 10 मंत्र है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शालिनी योगा जी। शालिनी योगा जी, आप माइक अनम्यूट करके बताइए कि जो 4 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, वे कौन कौन से हैं? सॉरी दी, कल मैं क्लास अटेंड नहीं किया था और मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुना अभी। कोई बात नहीं, मतलब जिन्होंने कल, ऐसा लग रहा है जैसे अल्टरनेट डे चल रहा हो, कल जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वो लोग आज नहीं आए, जो आज आए हैं वो कल नहीं आए थे। ठीक अंगिरस बृहस्पति ऐसे कुछ करके था, थोड़ा बहुत मैंने नोट्स ऊपर ऊपर से देखा बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ सही आप बता रही हैं। अंगिरस, बृहस्पति, और कोई जिसे पूरा आंसर पता हो वो बताइए। क्या था? आई आई मैं आस बताऊं वक्त पूजा जी? जी व्यास बताइए। और बाकी भी जी, बताइए। कौन, पूजा जी बता रही थी क्या? थे। हाँ बताइए। जी, जो 4 बताए थे, एक आपने बताया था अंगिरस, बृहस्पति जी और वक थे लास्ट में, वक और एक और थे, आ से थे वो, आयास। आया, हाँ, सही आयास बताया आपने। ठीक यस। है,
थैंक यू। उद्गीत, उद्गीत शब्द का जो अर्थ बताया गया है वह किस खंड में बताया गया है, और उनके तीन जो शब्द अलग अलग किए गए हैं उसका अर्थ क्या है? अनुरोध जी आप बताइए। तृतीय खंड में बताया गया है इसको, और इसमें उत गी उत्था इस हिसाब से तीन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, थैंक यू। अजीत देव जी, माइक अनम्यूट करिए और बताइए कि जो उत्कीर्ण की उपासना यदि कोई साधक करता है तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है? इसका कल थे आप क्लास में? जी क्लास में तो थे, इसका बताइए। इसमें ध्यान में इसका एक बताए थे, ध्यान जो है फल का याद नहीं है मुझे अभी। इसमें ये पूछ रही हूँ मैं, जो उद्गीत उपासना है यदि कोई साधक उद्गीत की उपासना करता है तो उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? माइंड में नहीं आ रहा अभी, ठीक है, आशा रानी जी आप बताऊं? बताइए इसका आंसर। जी कल की पुष्पा जी क्लास, बता, हाँ जी तुम क्लास में अटेंड नहीं रानी करते? जी, अच्छा ठीक है, मैं कोई बात बताऊं नहीं। पूजा जी, हाँ हाँ बताइए पुष्पा जी। जी, कामनाओं की सिद्धि की प्राप्ति होती है, और आत्मस्वरूप का कामनाओं का चिंतन प्रमाद रहित स्तुति व अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ये ना प्रमाद रहित कोई फल नहीं बताया गया, इसलिए वहां पे वो स्टेटमेंट दी गई है कि यदि प्रमाद रहित होकर आप स्तुति करेंगे तो वो अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, हाँ ठीक मतलब सिर्फ यदि हम फल की बात करें तो ये आएगा कामनाओं की प्राप्ति, समृद्धि, और उसके साथ आत्मस्वरूप की स्थिति आ जाती है साधक की। ठीक है, सुरेंद्र योगी जी, कल थे आप क्लास में? जी सुरेंद्र योगी जी, ठीक मैं कल क्लास में नहीं था, मैंने आज ज्वाइन किया। है, सब लोग प्लान बना कर आए हैं कि जो कल गए थे आज नहीं जाएंगे। ठीक है, विश्वनाथ जी आप थे कल क्लास में? नीरज जी माइक अनम्यूट करिए। नीरज जी आ गए हैं, मैं अभी जस्ट आया, कल क्लास में थे आप? क्यों? मैं कल आउट हो गया था जल्दी क्लास से, मुझे कुछ काम आ गया था सब जल्दी से। अच्छा, नहीं मैं सिर्फ इसीलिए पूछे क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी पढ़ने की आपको थी, तो मुझे लगा आपने ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत जिज्ञासा थी आपकी। मैं थोड़े जाने की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं बिजी था अच्छा उस अच्छा समय। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आप बाद में अच्छे से देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। इसके बाद कल कौन था क्लास में? ठीक है, कोई भी जो भी क्लास में था वो इसमें जो आध्यात्मिक उपासना थी वो बता दीजिए। आध्यात्मिक उपासना के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर इस उपनिषद में, जो क्लास में थे वो बता दीजिए, किस क्लास में भी इसको पढ़ाया था? किसी को नहीं है पता क्या? आध्यात्मिक उपासना का ना सेकेंड खंड में, फिफ्थ में और सेवन में उसका वर्णन किया गया है। उसमें ऋक और साम को बताया गया है, और उसमें जैसे वो बताया ना कि वाणी, वाणी से प्राण, चक्षु से आत्मा, श्रोत से मन, और नेत्र से, नेत्र की श्वेत आभा और श्याम आभा अम से बनती है। ये वाला यही आएगा ना इसमें? नो, आध्यात्मिक उपासना होता है मेरा। आपका स्टार्टिंग का आंसर तो सही था कि मतलब वो सेवेंथ में और इसमें, लेकिन इसकी जो पूर्ण व्याख्या की गई है आध्यात्मिक में, किस चीज की बात की गई है जब हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं यहाँ? कौन मैम सी पंचभूतों आध्यात्मिक की, जी? अब वो जो जिसमें बताया था ना, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, नक्षत्र, वही वाला? विष्णु नहीं नहीं वो के नहीं, वो द्वारा नहीं। प्राण की उपासना। हाँ ये नीरज जी ने सही बताया, बिल्कुल नीरज जी, देखिए ऐसे कॉन्सेंट्रेशन, नीरज जी थे नहीं लेकिन बता दिए, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? ऋषियों के द्वारा प्राण की उपासना की गई थी। ठीक है, मतलब प्राण के द्वारा ओंकार की उपासना की गई थी, जो चार ऋषि के नाम लिए गए हैं और उनके नाम पर ही चार प्रकार के प्राण बताए गए हैं।
है। अच्छा, इसमें आध्यात्मिक फल क्या मिलता है जब उपासना की जाती है ये चार प्राण की, तो इससे किस फल की प्राप्ति होती है? किसी को नहीं है पता क्या? कोई भी बता दीजिए जिसे भी पता हो। कामनाओं की समृद्धि प्राप्त होती है। वेरी गुड नीरज जी। ठीक है, इसमें भी सिर्फ यहाँ पे दो चीजें बात की गई हैं। एक तो प्राण की, जब ऋषि लोग उपासना कर रहे हैं, ठीक है, ओंकार की प्राण के द्वारा, तो वहां भी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, कामनाएं जो थी उनकी पूर्ति हो जा रही है। इसके बाद जब उद्गीत की व्याख्या की जा रही है तो वहां भी कामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, तो दोनों का फल एक ही बताया गया है। साधक को अमरत्व की प्राप्ति कब होती है? हैंड रेज अभी अनुरुद्ध जी ने किया था। जी आप बताइए। जी ज्ञानी जन जब अक्षर ब्रह्म ओमकार को इस प्रकार जानकर उपासना करते हैं तो अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित जो अमृतत्व होता है तब उसकी प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू। अब हम आगे से पढ़ेंगे, ये तो हो गया, पूरे क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में जितने भी रस बताए गए हैं कि किसका सारभूत क्या है, किसका रस क्या है, यदि किसी को पूरा सीक्वेंस पता हो तो खुद से वो बता दीजिए सामने आकर। हाँ मैम मैं बता, बताइए। पंचभूता का रस पृथ्वी को बताया, पृथ्वी के सार को जल बताया है, जल का सार औषधियाँ होती हैं, औषधियों का सार पुरुष होता है, और पुरुष का सार वाक होता है, वाक का सार ऋक होता है, और ऋक का सार साम होता है, और उसका सार जो है उद्गीत होता है, यानी कि ओंकार, ये आठवां रस होता है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। ठीक है, ये तो आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ ना आई हो तो बता दीजिए। कुंदन जी नहीं आए ना, वो अक्षादित का मतलब पूछ रहे थे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। पढ़ने के बाद यदि कुछ लग रहा हो कि समझ में नहीं आया है, कहीं पे कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ से देखना था कि यहाँ पे किन चीजों की बात की गई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ क्या? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? मैम जैसे कल हमने चतुर्थ खंड पढ़ा था, पंचम खंड का कौन सा है उसमें? पांचवा वाला खंड कौन सा है मैम? ये तो छठा है ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें ना लाइन से नहीं लिए गए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो अध्याय और खंड है, ठीक है, तो मैंने वो अच्छा चीजें ली है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और पंचम ओके खंड में सिर्फ एक चीज का वर्णन आता है, वह है आध्यात्मिक उपासना। अब आध्यात्मिक उपासना के अंतर्गत क्या आता है कि प्राण के द्वारा ओंकार की उपासना, तो वहां भी कुछ कुछ यही चीजें ही बताई गई है, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिया है। सिर्फ आप पंचम खंड का नाम याद रखिएगा कि जहां भी आएगा कि आध्यात्मिक उपासना का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वह द्वितीय अध्याय में, पंचम अध्याय, सॉरी द्वितीय खंड में, पंचम खंड में और सप्तम खंड में। ठीक है, बाकी आपको पूरा ये खंड वगैरह याद नहीं करनी है, क्योंकि इतना बड़ा उपनिषद है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक थैंक यू मैम। है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं छठा जो इसका खंड है, इसमें आठ मंत्र लिए गए हैं। इसमें बात किस चीज की गई है? यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था ऋक और साम, ठीक है, ऋक जो कि स्तुति का किया जाता है, साम अर्थात जो गायन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ना आप लोग ऋक और साम को देखिएगा कि जैसे यहाँ ऋक को क्या बताया गया है, तो ऋक को कहा गया है कि ऋक जो है वह पृथ्वी है। ठीक है, ऋक को पृथ्वी कहा गया है। सिर्फ यहाँ इनकी कोई वैसी व्याख्या नहीं मिलती है, सिर्फ इनके नाम से संबोधित किया गया है। जैसे हमने ध्यान बिंदु उपनिषद में आपने देखा होगा और मांडुक्य उपनिषद में आपने देखा होगा कि
अकार उकार मकार, ये तीन शब्द लिए और उनको कोरिलेट कर दिया गया कि इनके जो देवता हुए, तो ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, इस प्रकार के। फिर इसमें क्या आएगा, अंतरिक्ष किसमें आएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे ना कोरिलेट टाइप में किया गया है। इनको बताया गया है कि जब हम ऋक् की चर्चा करेंगे तो ऋक् के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो कहा ऋक् के अंदर पृथ्वी, अब क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही बनेंगे, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि ऋक् के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ऋक् के अंतर्गत दे देंगे और ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे। साम के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये दे दीजिए जाएंगे, और कोई एक गलत ऑप्शन दे दिया, अब आपको सेलेक्ट करना है कि सही क्या है या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तो ये याद करने वाली नहीं है, सिंपल चीजें हैं ये। तो जब हम ऋक् की बात करेंगे तो पहला तो इसमें क्या है, पृथ्वी की बात आती है कि पृथ्वी जो है ऋक् के अंतर्गत आता है, अंतरिक्ष ऋक् के अंतर्गत आता है, आकाश ऋक् के अंतर्गत आता है, नक्षत्र श्वेत शुक्लवान। ठीक है, अब हम जब यहाँ देखेंगे कि साम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो साम के अंदर कही गई है कि पृथ्वी सॉरी अग्नि, ऋक् है, अंतरिक्ष आ रहा है यदि ऋक् के अंदर, तो साम के अंदर क्या आएगा, वायु, ऋक् के अंदर आकाश आता है और साम के अंदर आदित्य। फिर बात की गई है ऋक् के अंदर नक्षत्र, तो कहा गया साम के अंदर चंद्रमा। अब यहाँ ऋक् के अंदर कहा गया श्वेत, तो इसमें कहा गया कि साम के अंतर्गत आएगा नीलवर्ण। फिर यहाँ यदि शुक्लवर्ण बोला है तो यहाँ पर कृष्णवर्ण, मतलब जैसे हमने रई और प्राण पढ़ा था सेम वैसे ही इसमें कोरिलेट की गई है कि यदि हम साम को कृष्णवर्ण कहेंगे, नीलवर्ण कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा कह सकते हैं, आदित्य कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, अग्नि, तो ये इनके अंतर्गत आएगी। अब है क्या इसमें, क्योंकि ये जो साम है, ठीक है, तो साम का जो आधार है वो ऋक् कहा गया है कि इसके, क्योंकि जो हमारी वाणी है, वाणी से ही हम गायन करेंगे, लेकिन गायन किसका करना है, तो साम का, साम का तात्पर्य ही गायन होता है। तो वो जो गायन होगा किसके द्वारा होगा, ऋक् के द्वारा होगा, वाणी के द्वारा होगा। तो जब गायन होगा तो वह ऋक् में सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार उसमें कहा गया कि जब आप किसी भी मंत्र की या किसी चीज की स्तुति करेंगे, आप जब उसका गायन करेंगे तो वह ऋक् में मिल जाएगा, मतलब वो स्तुति हो जाएगी, तो वो दोनों एक ही कहला जाएंगे। जब वो दोनों एक ही कहला जाएंगे तो फिर वहां पे गायन को तोड़ा गया है कि गायन को किस प्रकार तोड़ेंगे। तो कहा गया कि जब ऋक् और साम जब मिल गया तो सा का जो सा है उसको अलग किया गया और जो अम जो है उसको अलग किया गया है कि इससे भी पार्ट हो जाएंगे। तो गायन में जब हम करेंगे तो जो ऋक् का पृथ्वी है वो सा कहला जाएगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि सेम चीजें ही आ रही थी। ठीक है, तो ऋक् का जो पृथ्वी वह सा हो जाएगा, साम का जो अग्नि है वह अम हो जाएगा, और इन दोनों अर्थात पृथ्वी और अग्नि के मिलने से ही साम की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। यदि हम देखें तो अंतरिक्ष सा है, अम जो है वायु है, अंतरिक्ष और वायु से मिलने से ही साम की उत्पत्ति होती है। साम की उत्पत्ति सात पर मतलब गायन, ठीक है, किसी चीज की आप स्तुति कर रहे हैं, उसमें जो आप गा रहे हैं, उसको गाकर जो सुना रहे हैं, तो वो जो गायन की जो ध्वनि निकल रही है तो इन दोनों के संयोग से ही निकल रही है, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, थर्ड हम आते हैं आकाश और आदित्य। तो यहाँ यही कहा गया फिर से कि सा हो गया आकाश और अम हो जाएगा आदित्य। जब इन दोनों की संयोग किया जाएगा तब फिर साम की फिर उत्पत्ति होगी। कहा नक्षत्र और चंद्रमा, जब इन दोनों का संयोग होगा तो साम की उत्पत्ति। इसी प्रकार इनको बताया गया है कि श्वेत वर्ण फिर नील वर्ण, वही वही चीजें बताई गई, सिर्फ अपना ऋक् और साम करके याद रखिएगा तो ये याद रहेंगे। अब यहाँ यदि हम आते हैं तो यहाँ भी सेम चीजें, सप्तम खंड में कुछ चीजें मिली थी मुझे, तो यहाँ भी यही बोला गया है, पहले तो ऋक् लिया गया है फिर साम लिया गया है। तो ऋक् में वही यही, मतलब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ शायद लिखना। तो सा के ऊपर ऋक् आएगा, उसके ऊपर साम आएगा। ठीक है, तो जब ऋक् की बात की जाती है तो कहा यदि ऋक् वाणी है तो साम क्या है, प्राण है। और इसको ऐसा इसीलिए कहा गया कि जैसे हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जब वाणी के द्वारा उच्चारण करते हैं तो प्राण उसमें सम्मिलित होती है, अर्थात हम कहीं ना कहीं प्राण के द्वारा ही उच्चारण कर पा रहे हैं। मतलब जो ऋक् की स्तुति हो रही है वो स्तुति किसके द्वारा हो रही है, साम के द्वारा हो रही है, और जब वह साम की स्तुति हो रही है तो वह साम जो है वह दो भागों में टूट जा रहा है, सा और अम में। जब वह दो भागों में टूट जाएगा तो जो ऋक् हो जाएगा वह सा कहला जाएगा, ठीक है, और जो साम होगा वो अम कहला जाएगा। तो सा में आ जाएगा वाणी, अम में आ जाएगा प्राण। इसी प्रकार ऋक् को चक्षु कहा, साम को कहा आत्मा है। ठीक है, और कहा जब सा होगा
इनको जब तोड़ेंगे तो चक्षु कहला जाएगा साम, अर्थात ऋक ही साम कहला जाएगा, सा और अम जो होगा वह आत्मा कहला जाएगा। इसी प्रकार जो श्रोत है वह सा है और जो अम है वह मन है। फिर नेत्रों की श्वेत आत्मा, कहा कि नेत्रों में जो श्वेत वर्ण की जो आभा होती है, सॉरी आत्मा बोल दिया, आभा होती है जो, ठीक है, जो चमकदार हमारे नेत्रों के अंदर जो श्वेत वो जो पदार्थ होता है उसकी बात की गई है। तो कहा नेत्रों की जो श्वेत आभा है उसे सा कहा गया है और जो श्याम आभा है तो उसे क्या कहा गया है, अम कहा गया है। तो वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्योंकि सा जो कि ऋक और साम हमने पहले पढ़ा था, इन दोनों के संयोग से जैसे ओम की उत्पत्ति हो रही है या ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो इन दोनों का संयोग हो रहा है, तो वहां पर उस चीज को लेकर ही आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लिख दिया कि यदि कभी पूछा भी गया कि ऋक के अंतर्गत क्या आता है और साम के अंतर्गत क्या आता है तो आप इनको लिख सके या बता सके। अब यहाँ पर यदि किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद शांडिल्य विद्या है तो वो पढ़ेंगे जो इसका दूसरा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है शांडिल्य विद्या। शांडिल्य विद्या कहाँ पे ली गई है, तो तृतीय अध्याय है, ठीक है। इसमें आठ अध्याय हैं, एक तो हमने प्रथम अध्याय की बात कर ली। जलान और सर्वखली वदम दोनों ब्रह्मा को ही बोला है ना जी राधिका जी, अभी मैं बता रही हूँ, एक मिनट है ना, आगे हम जी। पढ़ेंगे इसको तो डिस्कस करेंगे जी। इसके पीछे का आप पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया तो उसका आप पूछ सकते हैं कि उसमें यदि कोई डाउट हो तो, बाकी ये जलान है ना पूछा दीदी आगे। जी 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 बिल्कुल, इसी में है मैं बताती हूँ ना आपको, ठीक है। तो हम तृतीय अध्याय जो है इसका, उसका चौदवा खंड इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर खंड से ही शांडिल्य विद्या ली गई है, उसमें ही चार मंत्र हैं और उन चार मंत्रों के अंतर्गत जो शांडिल्य नाम के जो ऋषि हुए थे उन ऋषि ने यह विद्या कही है। इसके अंत यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इनका वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन जब अंत का सबसे अंत में जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यह जो विद्या है शांडिल्य के द्वारा कही गई है, अर्थात मतलब शांडिल्य ऋषि ही रहे होंगे कोई, इनके बारे में कुछ मिला नहीं मुझे, सिर्फ इतना ही लिखा, तो शांडिल्य कोई ऋषि रहे होंगे तो उन्होंने इस विषय में बताया, इस वजह से इस विद्या को शांडिल्य विद्या कहा गया, अर्थात ब्रह्म विद्या को उन्होंने अपने द्वारा कहा था, ठीक है। तो यह तृतीय अध्याय के चौदहवे खंड में है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इसका सबसे फेमस मंत्र है, सर्व खलेद्वम ब्रह्म तज्जालनिति शांत उपासित। मतलब यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक बार शायद पूछा भी जा चुका है कि जलान जो ब्रह्म को जलान किस उपनिषद में कहा गया है, तो वह आ जाएगा आपके किसके, छांदोग्य उपनिषद में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सर्व खलिद्वम ये पूरा मंत्र उठाया गया था, सर्व खलिद्वम से तात्पर्य किस उपनिषद से या किस उपनिषद के अंतर्गत आता है, तो ये आपके छांदोग्य उपनिषद के, ठीक है। तो ये पूरा जो मंत्र है आपका ये फेमस ही है, दो तीन बार मैंने कई बार देखा है इसे, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया है सर्व खलिद्वम ब्रह्म तज्जालनिति, मतलब संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, ठीक है। सर्व खलिद्वम यहाँ पे कहा गया मतलब पूरा जो संसार है उसको ब्रह्म से कहा गया है कि ये जो जगत है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। फिर इसके बाद कहा गया कि वह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ही उसके जलान मानकर उपासना करनी चाहिए, मतलब कहा गया कि जो जगत में विद्यमान है जो ब्रह्म स्वरूप है उसको ज्योति स्वरूप मानकर और उसको जलान मानकर कि मतलब उस ब्रह्म को तुम जलान जानो, ऐसा उन्होंने कहा है, जलान मानकर उपासना करनी चाहिए। अब जलान का तात्पर्य क्या होता है हम वह देखेंगे। तो कहा गया कि मतलब जो जलान है ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जा ला और संस्कृत की जो अन धातु है वो बताई गई है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जा का तात्पर्य होता है उत्पन्न होना, मतलब जन्म लेना, किसी भी चीज की उत्पत्ति जो होती है उस चीज की बात की गई, तो उत्पत्ति करता, जा का तात्पर्य है उत्पत्ति करता अर्थात जन्म लेना, ठीक है। ला का तात्पर्य है लय, उसी में लय हो जाना, मतलब उसी में विलीन हो जाना, उसी से उत्पन्न हुआ और उसी में विलीन हो गया, ठीक है। फिर अन का तात्पर्य है
जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये संस्कृत की एक धातु है जिसका तात्पर्य वहां पर प्राण धारण करना बताया गया है, कि मतलब जन्म होना, लय और प्राण को धारण करना। तो जीवन और मरण के बीच की जो गति होती है उस चीज के बारे में बताया गया कि जीवन और मरने से पहले क्या होते हैं, तो व्यक्ति जो होता है वह प्राण को धारण करता है। ठीक है, तो यह एक धातु है जो संस्कृत से ली गई है। तो इन तीनों का यदि आप तात्पर्य समझ लेंगे तो जलान का तात्पर्य समझ में आ जाएगा कि जिसने उत्पत्ति की, ठीक है, जिसने प्राण दिया और उसी में विलीन हो जाना, तो उसी को ब्रह्म कहा गया है। तो इसीलिए तीन शब्द का मतलब बताया गया है यहाँ। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और हमें मिलता है क्वेश्चन में, अक खलु क्रतु। ठीक है, ये पूरे पूरे एडजेक्टिव यही लाइन पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एक टॉपिक है ना, तो इसको ज्यादा तो ऐसा है नहीं कि पढ़ना है, तो वो सीधा सीधा ये जो दो मंत्र हैं इनको ही उठा लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अथ खलु क्रतु में, मतलब अथ की यहाँ पर बात की गई कि वह ब्रह्म है। ठीक है, तो उसकी उपासना करनी है कहा गया, लेकिन उसकी उपासना जब आप करेंगे तो सीमित नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक सीमित वे बना दिया कि आपने आधे घंटे कर लिया या एक दिन कर लिया, बाकी दिन नहीं किया। तो कहा कि सीमित ना करके कर्म करें, मतलब जो हर कर्म है, जो हमारा दिन भर जो कर्म चलता रहता है, उसके साथ साथ परमात्मा की उपासना करना है। जैसे नहीं, कुछ लोगों को देखा होगा आपने दिन भर मतलब राम 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 भजते रहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ बोला गया है कि सीमित नहीं रखना है आपको कि हम 1 घंटे ध्यान के लिए बैठ गए और सिर्फ परमात्मा को हमने उतने ही समय याद किया। तो यहाँ वही कहा गया कि उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें, क्योंकि वे क्रतु में है। क्रतु में का मतलब ही होता है कर्म करना, ठीक है, कि कर्मशील होना। इधर तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और यही पेपर में आती है। किसी का कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है क्रतु में के बारे में बता दीजिए। जी। क्रतु में से ना, क्रतु का तात्पर्य होता है, ये भी ना संस्कृत की धातु ही है क्रतु, तो वहां पे इसका वर्णन जो मिलता है तो वहां गया कहा गया है कि कर्मशील होना, अर्थात कर्म करना। तो यहाँ वही कहा गया कि वह ब्रह्म सिर्फ जो है उपासना तक सीमित नहीं है, हर कर्म करते हुए वह क्रतु में है, मतलब कर्मशील है। तो एक तो वो कर्मशील है, उसके लिए मतलब आप दिन भर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करते हुए उस परमात्मा की उपासना करना है, ना कि सीमित रखना है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही चीजें ली गई हैं। एक तो मतलब जब हम जलान की बात करते हैं तो यहाँ पे दो अर्थ में बात की गई है। एक तो कहा गया कि वह परमात्मा ही कर्मशील है। क्यों कर्मशील है? क्योंकि वह उत्पत्ति कर रहा है, वह प्राण को धारण कर रहा है, मतलब प्राण धारण करना मनुष्यों को प्राण देना के तात्पर्य है। ठीक है, और तीसरा जो बोला गया कि वह अपने अंदर विलीन भी हो जाना। ठीक है, तो वह कर्म कर रहा है अर्थात वह क्रतु में है। और दूसरे शब्दों में कहा गया कि अब क्योंकि वह क्रतु में है इसीलिए उसकी उपासना सीमित ना करें, बल्कि कर्म करते हुए उसको हर पल हर समय उसको याद रखें या उसकी उपासना करें। तो ये चीजें कही गई है। नेक्स्ट है, ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म के स्वरूप में यहाँ पे एक चीज और, पूजा जी यदि आपको याद होगा, हमने आयुर्वेद में पढ़ा था, वहां पर आता है कि छंदोग्य उपनिषद में पंच जो हमारे कोश हैं इनका वर्णन मिलता है ना, तो वो वहां की स्टेटमेंट सही थी। मैंने एक्चुअली बोला था उस टाइम पे कि वो गलत है, लेकिन वो सही थी। एक मंत्र में यहाँ पर वर्णन मिलता है, जब भावना जी पढ़ा रही थी, शायद भावना जी थी हाँ, तो वहां पर क्या है, जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है कि छंदोग्य उपनिषद में पंचकोश का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि तैतरीय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि तैतरीय उपनिषद में संपूर्ण व्याख्या की गई है और छंदोग्य उपनिषद में सिर्फ नाम बताए गए हैं कि ये पांच कोश होते हैं या पांच शरीर होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो वो वहां थी, वो गलत नहीं थी वो चीज, तो उसको ठीक कर लीजिएगा यदि किसी ने गलत किया हो तो, क्योंकि क्लास में इस विषय में चर्चा हुई थी एक दिन, मुझे याद है। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप में बताया गया कि वह ब्रह्म कैसा है। तो कहा गया कि प्राण स्वरूप है, मनोमय शरीर है, दैदिप्यमान है, मतलब ऊर्जा वाला, जो ज्योति वाला है। ठीक है, ज्योति स्वरूप है, सत्य संकल्प वाला है, आकाश सदृश है, विराट, आकाश सदृश विराट स्वरूप वाला, मतलब जितना आकाश विराट है वैसे ही कहा गया कि वह विराट है, आकाश आत्मा भी उसको कहा जाता है।
सर्व कामनाओं वाला है, जो भी मतलब आप कामनाएं करके यदि ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वह कामनाएं पूर्ति होती है, ऐसा कहा गया। सर्व गंध वाला है, सर्व रस वाला है, सर्वत्र है, सम व्याप्त है, मतलब सभी जगह व्याप्त है, वाणी रहित है, ब्रह्म शून्य है। अब यहाँ पर जो विशेषताएं बताई गई हैं ये तो प्रश्न में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे सभी उपनिषद में ऑलमोस्ट मिलता ही है, ठीक है। तो ये सारे उपनिषद में कॉमन है, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसमें। अब यदि हम देखें कि अब यहाँ परमात्मा का स्थान बताया गया कि आत्मा का स्थान क्या है, तो यहाँ भी वही चीज बताई गई है जो अन्य उपनिषद में बताई गई, कि हृदय गुहा में अवस्थित है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे छंदोग्य उपनिषद में आत्मा का स्थान कहाँ बताया गया, आत्मा से तात्पर्य यहाँ ब्रह्म से है, ठीक है। तो आत्मा का स्थान बताया गया है कहाँ, हृदय गुहा में। अब इसकी तुलना भी की गई है कि वह है कैसी, तो कहा गया धान से, जौ से, सरसों से, श्यामा सांवा से, या श्याम कतुलंडन से सूक्ष्म है। मतलब ये ना तुलना की गई है कि आप धान ले लें, जौ ले लें, सरसों ले लें, और श्यामक, ये तो मुझे पता नहीं क्या होता है, उसमें वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, इसका अर्थ मुझे मिला नहीं, क्योंकि हिंदी में भी यही था और संस्कृत में भी यही था, तो समझ नहीं आया था। तो इसका आप लोग तो देख लीजिएगा, यदि किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। उनसे भी सूक्ष्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई। इसके बाद यदि देखा जाए, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, सभी लोकों से भी विराट है, मतलब उसका कुल मिला के बता दिया गया कि स्वरूप कैसा है। तो सारी चीज मतलब यहाँ पे सिर्फ एक शब्द ले सकते हैं आप, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से भी विराट, जो कि हम अन्य उपनिषद में हमने पढ़ा था, शायद मुंडको उपनिषद में पढ़ा था हमने, ईशावासीय उपनिषद में भी पढ़ा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट। तो वही चीजें यहाँ भी बोली गई है एक शब्द में यदि देखा जाए। अब कहा गया कि जो हृदय गुहा में ब्रह्म स्थित है तो उसे कैसे जानना चाहिए, तो कहा संशय रहित होकर, कि मतलब आपके मन में कोई भी भ्रम संशय ना हो, और संशय रहित होकर जब उस ब्रह्म को जानेंगे, ठीक है, निश्चय ही शरीर छोड़कर, कहा गया कि अब उसके फल की क्या प्राप्ति होगी यदि आप संशय रहित होकर जानेंगे, तो कहा जब भी आपका शरीर छूटेगा तो निश्चय ही शरीर छूटकर कहाँ जाएगा, ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाएगा, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेगा, ऐसा शांडिल्य का कथन है, ये यहाँ पर मिलता है इनका वर्णन, ठीक है। तो ये आपकी शांडिल्य विद्या थी। क्या बताया गया, एक तो बता दिया गया कि जो ब्रह्म है वह जगत के स्वरूप बताया गया, कि संपूर्ण जो जगत है उसमें विद्वान है। दूसरा उसका नाम बताया गया कि वह जलान नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा बताया गया कि वह कर्मशील है। फिर ब्रह्म का स्वरूप बता दिया गया। उसके बाद बताया गया कि वह ब्रह्म जो है हृदय गुहा में रहता है, मतलब उसका जो स्थान बताया गया, और वह है कैसा, तो कहा गया सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से भी विराट है, ठीक है। और यदि आप उसकी उपासना संशय रहित होकर करते हैं तो कहा कि शरीर छोड़कर बिना संशय के, मतलब निश्चय ही आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ इस विद्या की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें किसको डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ करें या ना करें इस उपनिषद में ये, और जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, प्रथम खंड पढ़ा था, उसमें जो ओम की उपासना की बात की गई थी, ये दो चीजें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? ये इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं थी ये जो यहाँ दी है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि जैसे आयु बताई गई है यहाँ पर, कि मनुष्य का जीवन का स्वरूप कैसा, मतलब पहले कैसा होता था। एक ऋषि थे, उनका नाम नहीं बताया गया यहाँ, उसमें एक्चुअली चर्चा आती है कि जो ऋषि थे उनकी आयु 116 वर्ष की हुई थी। तो यहाँ पे इस चीज की बताई गई कि जो मनुष्य होता था उसकी आयु 116 वर्ष की पहले होती थी, ठीक है। तो उनको उन्होंने सिद्ध सिद्ध किया कि किस प्रकार से 116 वर्ष की आयु होती थी। तो पहली जो आयु होती थी उसको प्रातः सवन किया गया। अब इन्होंने इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रातः सवन है ये मिलती कैसे है ये आयु, यदि आपको 24 वर्ष की निरोग आयु चाहिए, मतलब ऐसे ही आयु नहीं, ऐसे तो हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, 24 वर्ष की आयु होगी, 44, आज तो फिर भी मतलब 60-70 तक लोग पहुंच ही जाते हैं, ठीक है, तभी वो तो जी ही रहे हैं। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर सिर्फ अंतर ये है, कहा गया कि जब वो जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 24 वर्ष तक उन्होंने छंद का पाठ किया या छंद की उपासना की। कौन से? तो 24 वर्ष तक उन्होंने गायत्री मंत्र, जो हमारा गायत्री छंद है, गायत्री छंद की उपासना की।
उस आयु को प्रातः सवन बोल दिया गया। प्रातः मतलब जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ से उदय हो रहा है, ठीक है, आयु उदय हो रही, तो उसको उदय होने वाली आयु कहा गया है। मध्याह्न दिन कहा गया कि जो मध्याह्न समय जो होता है आपका, जो बीच का समय होता है दोपहर का, तो कहा गया कि वह आयु कहाँ तक होती है, तो 24 के बाद से 25 से लेकर 44 तक की आयु होगी, तो वह कौन सी हो जाएगी, मध्याह्न दिन की हो जाएगी। इसको कहा गया कि इसमें किस छंद की उन्होंने व्याख्या की, तो कहा कि त्रिष्टुप, त्रिष्टुप नाम का यहाँ पे एक छंद आता है, जैसे ये गायत्री छंद है, गायत्री के छंद के जैसे ही एक त्रिष्टुप और एक जगती, इन छंद की भी व्याख्या की गई है। तो कहा जब उन ऋषि ने त्रिष्टुप छंद की व्याख्या 25 से लेकर 44 वर्ष तक की थी, तब उनको निरोगी काया प्राप्त हुई थी, और वह 44 वर्ष तक की आयु को प्राप्त किया था उन्होंने। फिर तृतीय सवन जब आता है, तीसरी आयु, ठीक है, तो तीसरी आयु को इन्होंने कहा कि 4 से लेकर 48 तक, तो वह कैसे प्राप्त हुई थी, तो इन्होंने कहा कि जगती छंद का इन्होंने जब पाठ किया था, मतलब जगती छंद की इन्होंने उपासना की थी, 45 से लेकर 48 वर्ष तक की आयु इनकी निरोगी काया बीती हुई थी। फिर इसके बाद अंत में इनका मिलता नहीं है कि इन्होंने जगते ही इनको कंटिन्यू रखा या कोई और छंद कर दिया, ये नहीं मिला है उसमें। उसमें डायरेक्ट ये बता दिया गया कि जो कुल आयु हुई फिर उन ऋषि की, क्योंकि उन्होंने जीवन भर छंद का प्रयोग करके अपनी आयु की वृद्धि की, दीर्घ आयु की, निरोगी काया को प्राप्त किया, तो फिर उनको उनके बारे में बताया गया कि उनका जो जीवन हुआ था, तो वह 116 वर्ष तक जीवित थे। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है, उसमें बताया गया कि जो मनुष्य की पहले आयु होती थी वह 116 वर्ष की होती थी, इस छंदो उपनिषद के अनुसार ये बताया गया है, ठीक है, कि मतलब मनुष्य की आयु बताई गई कि इतने वर्ष यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो वह क्या करके, किसकी उपासना करके वह जीवित रह सकता है या रहता था। नेक्स्ट धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, तप और तितिक्षा। मतलब फर्स्ट में आ जाएगा आपका यज्ञ, अध्ययन और दान। जो यज्ञ करते हैं, वेदाध्ययन हो गया, और दान करते हैं, ये प्रथम स्कंद में बताया गया धर्म का। दूसरा तप बताया गया, तीसरा तितिक्षा बताई गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, इन तीनों को याद रखिएगा। इसके बाद है साधक की दक्षिणा, जो साधक था तो वे दक्षिणा के रूप में क्या लेते थे उससे, तो कहा गया तप, दाम, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा और सत्य वचन, ये चीजें देते थे। अब जो मेन है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि तत्वमसी, ठीक है, तत्वमसी का वर्णन कहाँ आया है, कि तो ये यही आता है कि छंदोग उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है, वही सब कुछ है, तुम वही ब्रह्म हो, सिर्फ इस बात की चर्चा की। तो सर्वम तत् सत्यम च आत्मा तत्त्वमसि, तो इसका जो वाक्य हम देखेंगे तत्त्वमसि, तो वो कहाँ से लिया गया, छंदोग उपनिषद से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है, जैसे तत्त्वमसि मैंने देखा एक दो बार क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ से शांडिल्य विद्या क्वेश्चन बनेंगे आपके, और जो आपका बनेगा इसके फल पूछे जा सकते हैं, उद्गीत, क्योंकि उद्गीत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन 100% बन ही सकता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ से जितना भी प्रथम अध्याय से आपका लास्ट तक का है, प्रथम अध्याय पूरा। अब यहाँ पर ना एक चीज और आती है, ये जो सबसे फेमस कथा यहाँ पर सत्यकाम और जवाली की बताई गई है, तो ये जो सत्यकाम जवाली जो है वो है एक ही व्यक्ति, सत्यकाम और बोल दिया, क्या था कि जो इनके जो गुरु थे वह गौतम थे। जब गौतम ऋषि के पास ये जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि आपका नाम सत्यकाम जवाली है, तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए कि आपका गोत्र क्या है। तो सत्यकाम कहते हैं कि मुझे तो मेरा गोत्र का पता नहीं है, मेरी माता का नाम जवाली है, और जब मैं छोटा था तो बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माता काम काज में इतना व्यस्त रहती थी कि कभी वो मेरे पिता से उनके गोत्र के बारे में पूछ ही नहीं पाई हैं। इस विषय में कभी उन्होंने चर्चा ही नहीं की है, इस वजह से मुझे अपने गोत्र के बारे में नहीं पता है। तो गौतम ऋषि जो थे, उन्होंने इनका जो सत्य सुनकर वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, और इसको मतलब जो सत्यकाम थे उनको सत्यकाम जबाली के नाम से फिर बुलाते हैं, उनकी माता के नाम से ही, और उनको कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, और फिर इस प्रकार उनको ब्रह्म विद्या देते हैं। ब्रह्म विद्या के साथ ही फिर मतलब आगे इन्हीं ब्रह्म की विद्या प्राप्त करते हैं, सिर्फ इतना वर्णन आता है, बस इतना ही था यह उपनिषद। अब यहाँ से लास्ट तक किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, खत्म, ठीक है।
किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से हम लोग बृहदारण्यकोपनिषद करेंगे। छंद और मंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए ज्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो चीज मैंने छंद के बारे में पढ़ी है, तो छंद में क्या होता है कि छंद में कहा गया है इसमें जो क्रम होते हैं वे व्यवस्थित होते हैं, मतलब जो मात्राएं होती है ना, मात्राओं को व्यवस्थित रूप में किया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र ही तो यहाँ पे वो होते हैं, पद होते हैं, पद बोला गया था, तो उन पद के रूप में उनको व्यवस्थित रूप में सुनियोजित किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर मात्राएं होती है। जैसे छंद, रोला, उल्लाला, इन चीजों की होती है ना मात्राएं, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन वो मात्राएं होती, तो उन मात्राओं को ध्यान में रख करके उनको हर एक शब्द को लिखा जाता है, मतलब आगे पीछे नहीं लिखी जाती, उनकी पर्टिकुलर मात्राएं होगी, उतनी मात्राओं के अंतर्गत ही उनको लिखा जाएगा। ठीक है, किसी को पता हो तो बता दीजिए, यदि इससे अच्छा कोई बता सकता हो तो प्लीज, मुझे इतना ही पता था। थैंक यू। ये ना अलंकरण के रूप में काम करते हैं भाषा में छंद, और इनसे मतलब वही जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि मात्राएं व्यवस्थित होती है, जैसे दोहा, शोर, रामायण जी में हम पढ़ते हैं, ये सब छंद में ही आते हैं। और जितने ये वेद मंत्र होते हैं ये सब ज्यादातर ना अनुष्टुप छंद में लिखे जाते हैं। और ये वही है कि गायन शैली के लिए हम मतलब छंद मंत्र के मंत्र मंत्रों का निर्माण छंद से ही होता है। ये अंतर अगर आप चाह रहे तो ऐसे कर सकते हैं उसको। हाँ, और एक चीज और, जैसे आपने कहा ना कि वेद में जितने भी मंत्र हैं तो सभी का नहीं बताया गया है, मैंने पढ़ा था नहीं तो नहीं उसमें कहा सभी गया। नहीं, बहुत सारे बोला है मैंने, सभी नहीं हाँ बोला हाँ है। हाँ 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 वही तो, मतलब मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर यही करूंगी कि जो सबसे ज्यादा छंद की जो बात की जाती है तो वह सिर्फ सामवेद में ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पे ही गायन शैली है, और कहा गया कि जो भी मंत्रों को हम गाते हैं, मतलब गाकर जिनका उच्चारण करते हैं, वो छंद रूप में ही होते हैं, तभी उनको गा पाते हैं, और नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वो मंत्र होते हैं, उनमें ये व्यवस्थित मात्राएं नहीं होती, जैसा कि मैम ने बताया, जिन्होंने भी बताया, थैंक यू। तो बस इतना ही अंतर है। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो पूजा दीदी, जी, संक्षेप में शांडिल्य विद्या क्या है, इतना समझा दीजिए इन अ नटशेल। संक्षेप, हाँ संक्षेप में ये है, इतनी सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे शांडिल्य विद्या का मतलब, शांडिल्य कुछ अलग नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये शांडिल्य नाम के ऋषि हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले तो कुछ चीजें होती नहीं थी कि हम किस चीज पे इनका नाम रखें, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने ही नाम पे उस विद्या का नाम रख देते थे। तो जब इन्होंने ब्रह्म विद्या बताई कि ब्रह्म होता क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, ठीक है, तो जब उस विषय में जब चर्चा करते हैं तो लास्ट में ही अपना नाम दे देते हैं, कि मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा शांडिल्य ने कहा है, तो जो भी उनके आगे आए तो उन्होंने इसको शांडिल्य विद्या कह दिया गया। ठीक है, मतलब उनके नाम से विद्या को बोल दिया, मतलब ब्रह्म विद्या को। अब इसमें सिर्फ ब्रह्म के बारे में ही चर्चा की गई, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है कि सर्व खलिद्वम, की वह जो ब्रह्म है संपूर्ण जगत में है, ठीक है, संपूर्ण जगत जो है पूरा, तो उसमें ब्रह्म ही है, मतलब उससे अलग नहीं कहा गया है, कि आप यदि सोचे कि सिर्फ एक ही जगह है, जैसे बोल देते ना मंदिर बस में है तो पूजा करने चले जाएंगे तो वहां हमको शांति मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहा गया कि संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म स्वरूप है, और यहाँ पे ब्रह्म को जलान नाम से कहा गया है। ठीक है, जैसे आप और उपनिषद में पढ़ेंगे तो अन्य अन्य नाम दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ ब्रह्म का नाम जलान कहा है। अब इस जलान को कहा गया क्योंकि वह जन्म देता है, विलीन भी उसी में हो जाता है व्यक्ति, और प्राण भी दे रहा है वो, ठीक है, व्यक्ति को जीवित होने के लिए, तो यही चीज कही गई कि यदि वो जलान है मतलब वो एक कर्म कर रहा है, मतलब क्रियाशील है, तो वह क्रियाशील है, इसीलिए आपको भी क्रियाशील होकर कर्म करते हुए ही उसकी उपासना करना है, सीमित नहीं रखना है कि एक ही घंटे बैठकर हमने ध्यान कर लिया। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा बताया ब्रह्म का स्वरूप बता दिया गया कि वह कैसा है, तो यहाँ पे वही चीज आती है कि ज्योति स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, मनोमय, ठीक है, ऊर्जावान, आकाश सदृश, मतलब विराट है, और सूक्ष्म, दो चीजें यदि आप रखें। फिर इसका स्थान कहा कि ब्रह्म का स्थान क्या है, अवस्थित कहाँ है आपके शरीर में, यदि ब्रह्म है तो कहा कि हृदय गुहा में विराजमान है। ठीक है, तो और इसका वही बता दिया कि सूक्ष्म और विराट भी है। फिर इसके बाद बात की गई है कि यदि इस ब्रह्म को, मतलब जो आपके हृदय में ब्रह्म है, ठीक है,
जो ज्योतिर्मान है, जो सूक्ष्म है, जो विराट है, यदि आप उसको जलान को जानते हैं, संशय रहित होकर उसके बारे में समझते हैं, उपासना करते हैं, तो निश्चय ही जब आप शरीर को त्यागेंगे तो आप उस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा शांडिल्य ऋषि ने कहा है। इस वजह से इस विद्या का नाम शांडिल्य विद्या कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। पूजा दीदी, मुझे ना थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। एक जो अपन, जैसे आपने छांदोग्य का बताया ना, छांदोग्य का अर्थ जो छंदों का उच्चारण करता है या पाठ करता है, और एक चीज और ना, ये वेद पाठ, जैसे सामवेद का आपने उद्गात बताया था शायद उसका, तो दोनों में अंतर है या दोनों एक ही चीज है? छांदोग्य और उसमें उद्गात बोला था, क्या बोला था आपने? नहीं, मैं बता देती हूँ उसमें। हाँ ठीक है, आपने पूछा जो छंद है, ठीक है, एक तो हो गया कि जो सामवेद है, सामवेद में छंद ही लिए गए, मतलब जितना भी जो मंत्र है उनको छंद की संज्ञा दी गई कि छंद रूप में दिए गए, ठीक है, तो उसी वेद से ये उपनिषद लिया गया, तो इसका नाम क्या बताया गया, छांदोग्य उपनिषद। अब छंद का तात्पर्य ही मतलब यहाँ पे बताया गया, फिर उसके बाद जो उद्गात है वो अलग आ जाता है, मतलब छंद आ गया, इसके अंतर्गत जो मंत्र है उनको छंद कहे गए हैं, ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं उद्गात से, जो उद्गीत होता है, उद्गीत मतलब ओंकार की जब व्याख्या आएगी तो उद्गाता आ जाएगा, और छंदोज्ञा छंद को उच्चारण करने वाला, छंद का पाठ करने वाला छंदोज्ञा कहलाएगा, उद्गीत का पाठ करने वाला या उपासना करने वाला उद्गाता कहलाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बस दोनों में मतलब यही अंतर है कि एक जगह हम ओम की बात कर रहे हैं, एक जगह सभी मंत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? पूजा जी, ना मुझे किसी ने वही मैंने पढ़ा था इसे कि जलान में जो ज होता है उसी में जन्म लेना, और ला का अर्थ उसी में लीन होना, और न जो है उसी में जीवन धारण करना, मतलब ऐसा हाँ, तो मैंने वही बताया ना कैसे पूजा ही जी, आप है? लेट आए क्या? देखिए हाँ, मैं लेट जन्म, ज्वाइन करा था। हाँ वही है, जन्म लेना मतलब उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति होना, जन्म लेना मतलब उसी से जन्म है, हो रहा है, मतलब सारी चीजों को ही उत्पत्ति वही कर रहा है, तो जन्म लेना, ठीक है। फिर जो आपने बताया ना जीवन धारण, जीवन धारण किससे होता है, प्राण के द्वारा होता है, तो उसी चीज के लिए बोला गया कि जो जीवन धारण है, जो प्राण इस शरीर को दे रहा है, तो वह भी ब्रह्म ही दे रहा है, आप अपने से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। फिर यदि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो उसके बाद जब वह शरीर का त्याग कर रहा है, तो उसी में लीन हो रहा है, विलीन उसी में, मतलब लीन का होना मतलब विलीन होना मतलब लय हो जाना, मिल जाना उसी में, तो वो तीनों का वही शब्द का मीनिंग है जो आपने बताया, ठीक है। और किसी का कोई जी, प्रश्न? धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास है। नोट्स बना लिए आप लोगों ने जो? हाँ नीरज जी, नीरज जी कुछ पूछना तो नहीं है, आप थे नहीं क्लास में, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और जब थे नहीं तो काय का डाउट? हमारे नीरज जी बहुत जिज्ञासु हैं, हर 10-15 दिन में दीदी आप उपनिषद कब पढ़ाओगे, और जब उपनिषद पढ़ाया तो सबसे पहले नीरज जी ही गायब हुए हैं। करें, थोड़ा बाहर जाना था इस चक्कर में। कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता चला था कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग वो कर दीजिए, हम लोग क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। कुंदन जी आप शांति पाठ करा दीजिए, गाना तो आपने सुनाया नहीं बहुत दिन से, शांति पाठ ही करा दीजिए। जी, हम गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस छोड़िए, शरीर को स्थिर कीजिए, मन को शांत, शांति पाठ के लिए तैयार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ हथियार अप सुंदर जी, कीजिए, फेस पर जी। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा इस उपनिषद को। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लेफ्ट कर जाएं, ठीक है, और 7 मिनट्स का रेस्ट ले लीजिए और फिर 4 बजे सब लोग हो जाइए।